मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हो रही लगातार खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई में दो लोगों पर दर्ज हुई FIR। मध्य प्रदेश में जहां खाद्य पदार्थों को लेकर सरकार लगातार सख्त रवैया अपना रहा है, खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार अपने जिले के प्रशासकों को निर्देशित कर रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बिल्कुल न बख्शा जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इसी क्रम में जिले में लगातार खाद्य पदार्थों को लेकर कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें दो व्यक्तियों पर मिलावट करने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। जिले में नरसिंहगढ़ और खिलचीपुर में कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार खाद्य विभाग द्वारा दूध डेयरियों पर छापेमार कार्यवाही की गई थी, जिसमें महेश्वरी दूध डेयरी और रामबाबू दांगी डेयरी फार्म पर कार्यवाही में दूध के सैंपल में काफ़ी मात्रा में केमिकल पाया गया था, जिस वजह से खाद्य विभाग द्वारा इन दोनों खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 4850 और ISPC की धारा 420 के अंतर्गत नरसिंहगढ़ में महेश्वरी डेयरी फार्म के ब्रजमोहन महेश्वरी और खिलचीपुर के रामबाबू दांगी डेयरी फार्म के रामबाबू दांगी पर मामला दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों से अभी तक 26 सैंपल लिए गए हैं और उनको जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये श्रीधी दूध जो मक्सी स्थित इनकी डेयरी है, यहाँ से अपने डीलर है महेश्वरी डेयरी, यहाँ पे ये पूरे नरसिंहगढ़ में सप्लाई करते हैं। और श्रीधी दूध में माल्टोडेक्सट्रिन नाम का जो केमिकल है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है, जिसके कारण पूरे नरसिंहगढ़ क्षेत्र में इसकी बिक्री बंद करने के आदेश दिए हैं और तत्काल हमने इनका फ्रिज और पूरी दुकान सील करी है। मैम, माल्टोस से क्या नुकसान होता है, मैम इससे क्या मानना चाहिए? माल्टोस बेसिकली एक फैट बढ़ाने का सब्सटेंस है जो दूध में डाला जाता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़े और कीमत बढ़े और जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। क्या इसके कम फैक्ट्री मालिक पर कोई कार्रवाई हो सकती है? फैक्ट्री मालिक पर जरूर कार्रवाई होगी, जो उनके क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनके द्वारा की जाएगी, और हमने अभी हमारे क्षेत्र में इसकी बिक्री बंद करी है। मैडम, कौन से कानून के अंतर्गत इन पे कार्रवाई की जाएगी? अभी तो काफी कानून है, महामारी एक्ट है, डिजास्टर प्रिवेंशन एक्ट है, इनके तहत जो हमने सील किया है। दूध के जो सैंपल लिए जा रहे हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? हमने जो दूध के सैंपल लिए हैं अभी प्रिया डेयरी और सुपर डेयरी के सैंपल लिए हैं, अभी इसके सैंपल हम भोपाल भेजेंगे, पर हमने प्रथम स्तरीय जांच हमारे स्तर से कर ली है, जिसमें हमने सिंथेटिक दूध होने की जांच, शुगर की जांच, यूरिया की जांच, सॉल्ट की जांच और पानी की जांच करी है दूध में। पहले चार बिंदुओं पे तो अभी तक दूध ठीक पाया गया है प्रथम स्तरीय जांच में, पानी की मिलावट थोड़ी ज्यादा पाई गई है, तो इसके सैंपल हम भोपाल भेजेंगे और फॉलोअप लेंगे उसका, और उसके बाद उसके अंतर्गत फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करी जाएगी। आगे और भी कार्रवाई जारी रहेगी क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई जारी रहेगी इसमें, और आगे और भी डेयरी हम लोग देखेंगे। अभी सर डेयरी में क्या पाया गया? इस डेयरी में जैसे मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक दूध होना नहीं पाया गया है, पर हाँ पानी की मात्रा ज्यादा पाई गई है, तो वो चीज फर्दर लैब रिपोर्ट से और क्लेरिफाई हुई है। सर ये कब तक आ जाएगी सर इसकी लैब रिपोर्ट? आई थिंक विदिन अ मंथ आ जानी चाहिए, बट इसका फॉलोअप लेके मैं आपको बता पाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।